बुरहानपुर जिले में पीडीएस राशन दुकान से गेहूं की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में दो पहिया वाहनों से गेहूं के बोरे निकालकर हेराफेरी की गई है, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। यहां पहले भी तत्कालीन कलेक्टर ने गोदाम में गेहूं की जांच कर हेराफेरी के मामले में वाहनों को जब्त किया था। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक सुरेश संखेरे का कहना है कि प्रतिदिन बनाकर कलेक्टर को सौंपा गया है, कलेक्टर के निर्णय के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन कालाबाजारी को बचा पाएंगे या उन पर नकेल कसेंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। वीडियो वायरल हुआ है, कल शाम को वो वीडियो प्रशासन के पास आया था और वहाँ से मेरे पास भी पहुँचा था, और उसमें वीडियो में जब पूरा बारीकी से मैंने देखा है तो उसमें गाड़ी साइड में खड़ी हुई है और बाइक पर दो कट्टे रखे हुए हैं, ये वीडियो में प्रदर्शित हो रहा है, और उसके बाद वो गाड़ी वहाँ से भाग गई है। तो उसकी जांच की जा रही है प्रशासन के द्वारा और मेरे द्वारा भी कार्रवाई की गई है, और कलेक्टर महोदय को अगर वो संतोषप्रद जवाब नहीं देता है तो दंडात्मक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। पत्र कलेक्टर मैडम को मैं भेज चुका हूँ, खाद्य शाखा को, और उस पर जो भी कार्रवाई होंगी होगी। लेकिन आपके द्वारा जो गेहूँ शब्द यूज किया गया तो उसमें कहीं भी ऐसा वीडियो में प्रदर्शित नहीं हो रहा कि उसके अंदर भरा हुआ क्या है।